झारखंड को विखंडित करने की बात करते हैं, उनको पता है झारखंड बनने में कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने यहाँ के आदर्श पुरुष महापुरुषों का बलिदान और खून पसीने के बाद ये झारखंड का निर्माण हुआ है, और एक पल में झारखंड को तोड़ने की बात करते हैं। उसमें लड़ा दो कि जो वोट बैंक का जो एक बड़ा वोट बैंक बन चुका है हेमंत सोरेन के समर्थन में, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, सदानों की, भूमि पितरों की, उसको कैसे तोड़ा जाए, इनको आपस में लड़ाया जाए, यही साजिश है इनका जिसके लेकर के ये तरह तरह के घरे में खड़ा हो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है, आप बोलो कि वो सांसद नहीं है, व्यक्तिगत बयान रांची के मोरावाली के समीप बापू बाटिका के सामने है, और यहाँ पे जेएमएम के तमाम समर्थक जो है उस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो संसद भवन में निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है उसको लेकर जेएमएम के तमाम सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जेएमएम के समर्थक जो हैं, वो सदन से लेकर सड़क में इस तरह का लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मुद्दा जो है कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है डेमोग्राफी चेंज करने को, टेरिटरी को बात को लेकर, उसको लेकर जो है पूरी तरह से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक जो है नाराज दिख रहे हैं। इसको लेकर जो है तमाम जगह पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कैंडल मार्च चल रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी को हम लेने की कोशिश करते हैं। आखिरकार देखिए, चाइना का बॉर्डर है लद्दाख, वहाँ पर चाइनीज लोग हजारों किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर लिए हैं। नेपाल के बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है, असम के बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा घुसपैठिया सांसद जो देवघर में भागलपुर से घुसपैठ करके आकर के यहाँ सांसद बना हुआ है, वह संसद में बयान देता है कि यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए संथाल परगना बिहार और बंगाल की सीमा को मिला करके। तो ये घोर झारखंड विरोधी मानसिकता का परिचायक है जिसका हम घोर विरोध करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को पहले घुसपैठिए मानते हुए यहाँ से झारखंड से बाहर करने की मांग करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, किस तरीके से जो रिपोर्ट है यहाँ पर जो आने वाले विधानसभा चुनाव का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो ये हथकंडे अपना रहे हैं तरह तरह के। कभी बोलते हैं आदिवासियों की जनसंख्या घट गई है, कभी अल्पसंख्यकों की बढ़ गई है, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तरह तरह के हथकंडे। इससे ये क्या करना चाह रहे हैं कि आदिवासी, सदान, मूलवासी, आपका अल्पसंख्यक, इनको आपस में लड़ा दो कि जो वोट बैंक का जो एक बड़ा वोट बैंक बन चुका है हेमंत सोरेन के समर्थन में, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, सदानों की, भूमि पितरों की, उसको कैसे तोड़ा जाए, इनको आपस में लड़ाया जाए, यही साजिश है इनका जिसके लेकर के ये तरह तरह के हटकंडे कर रहे हैं। इसको झारखंड की जनता समझ रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा, और जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति इनकी होने जा रही है। देखिए, बीते दिन संसद में यहाँ के जो गोड्डा के जो सांसद है भाजपा के निशिकांत दुबे जी, वो किस तरीके से शर्मनाक बयान देने का काम किए हैं, और झारखंड को विखंडित करने की बात करते हैं, उनको पता है झारखंड बनने में कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने यहाँ के आदर्श पुरुष महापुरुषों का बलिदान और खून पसीने के बाद ये झारखंड का निर्माण हुआ है, और एक पल में झारखंड को तोड़ने की बात करते हैं। क्या है उनका आधार झारखंड को तोड़ने का, जो वो बात करते घुसपैठिएगा, तो सीमा किन के हाथ में है, सीमा आज के देश में, आज के डेट में सीमा भाजपा के हाथ में है, केंद्र में भाजपा की शासन है, पिछले 3 टर्म से भाजपा की शासन है। तो सबसे बड़ा सवाल तो उनसे है कि क्यों घुसपैठिया हो रहा है, क्यों घुसपैठ हो रहा है, अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसके लिए भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो जिम्मेदार है, झारखंड सरकार कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि झारखंड की सीमा कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं टच करती है। इसलिए निशिकांत दुबे एक भ्रामक बयान देना बंद करें, नहीं तो झारखंड के भूमि पुत्र यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको खदेड़ने का काम करेंगे, झारखंड से भगाने का काम करेंगे, इस तरह का बयान देंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये जो है व्यक्तिगत विचार है निशिकांत दुबे जी का, ये पार्टी से व्यक्तिगत विचार है तो भाजपा कार्रवाई करे, मान लेंगे हम लोग उनको, उनको भाजपा से निष्कासित करने का काम करे, तब हम लोग मानेंगे कि सही मायने में उनका व्यक्तिगत बयान है, और नहीं तो हम ये मानेंगे कि भाजपा की सोची समझी साजिश है, और उन्होंने ये भाजपा जो है केंद्र की साजिश है, और एक एमपी के माध्यम से ये बात सुनने को मिल रहा है, इसमें भाजपा की एकदम
बू आ रही है कि उन्होंने क्या करना चाह रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को उन्होंने तोड़ने का काम किया और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम किया, इसकी नींव भी बहुत पहले रखी जा चुकी थी। उसी प्रकार से झारखंड की इन्होंने नींव रखने का काम किया है, इन्होंने तोड़ने का नींव रखने का काम किया है और इसको बर्दाश्त नहीं करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ के आदिवासी मूलवासी। इसको रोड पर उतर कर निशिकांत दुबे को खदेड़ने का काम करेंगे अगर उन्होंने ऐसा बयान आइंदा देने का काम किया तो। चलिए, क्या नाम हुआ दादा आपका? आग्रह है आप लोग दो लाइन में आ जाए। हेमलाल मेहता, जिला सचिव जी। आज जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा छेड़े हुए हैं, क्या कारण रहा है? जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीते दिनों संसद में देश के सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा में जिस तरह से गरिमा को भंग किया गया है और जिस तरह से विध्वंसकारी बयान जो निशिकांत दुबे के द्वारा दिया गया है, हम निंदा करते हैं। ये बहुत ही विध्वंसकारी है, राज्य को बांटने वाला बयान है, जाति में बांटने वाला बयान है, आदिवासियों को लड़ाने, आदिवासियों और मुस्लिमों के बीच लड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग, हम इसकी निंदा करते हैं। ये बयान से राजद्रोह का मामला बनता है और पूरा झारखंड में राजद्रोह का केस इन पर। तो आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी यहाँ बापू वाटिका में आक्रोश मार्च निकाले हैं, यहाँ से हम लोग जिला मुख्यालय जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे और सभा करेंगे, वहाँ से उसके बाद। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे का ये व्यक्तिगत बयान है, बाकी जो बातें बोलते हैं वो बीजेपी की बात रहती है और आज जब कटघरे में खड़ा हो रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है। आप बोलो कि वो सांसद नहीं है, व्यक्तिगत बयान किसका होता है? व्यक्तिगत बयान एक कार्यकर्ता जो हट के है, पार्टी से हट के है, वो कह सकता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता बोल सकता है, उसको मान सकते हैं कि गलती से बोल दिया और उसका व्यक्तिगत बयान किया जा सकता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण पद पर आप जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसी को बांटने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये जो है झारखंड की जनता उनको वहाँ घुसने नहीं देगी, उसी के क्षेत्र की जनता उसके क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। यहाँ से निकल कर जा रहे हैं तो वहाँ क्या मांग है आप लोग का? मांगे जो क्या है, कुछ विशेष वार्ताएं होगी कि धारणा ही होगा? अभिलम्ब निशिकांत दुबे जी इस्तीफा दें और इस बयान को वापस लें और झारखंडियों से माफी मांगें। हेमंत सोरेन जी के लिए दो शब्द। सभी साथियों से निवेदन है, हेमंत सोरेन जी आप सुने होंगे, हेमंत है तो हिम्मत है। अच्छा, हेमंत सोरेन के 4 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? 4 साल के कार्यकाल को हम सबों ने देखा है, ऐसा किसी से छुपा नहीं है। 2 साल बचाने, जिंदगी और मौत के साथ लोगों को बचाने में लगे रहे, सबकी जिंदगी बचाने में लगे रहे और बचाने के बाद जो है सो आज इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसके लिए काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा योजनाएं दिए हैं कि सब लाभान्वित हो रहे हैं, आम झारखंडी लाभान्वित हो रहे हैं। तो इतने अच्छे काम करने वाले को और क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।